आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ब्रेड रोल आलू और ब्रेड से बनाएंगे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी सा बनाएंगे। मैं पहले आपको इसका आवाज़ चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा हमारा बना है ब्रेड रोल, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी इसका अच्छा है और साथ में क्रिस्पी भी है। चलिए अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये लिए हैं 3 उबले हुए आलू। आलू को अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है, बिल्कुल एकदम फाइन नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके हाथों से हमें मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, ये एक प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, साथ में कटी हुई धनिया की पत्ती और 3 से 4 हरी मिर्च, इसे भी ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डाल देंगे बिल्कुल ज़रा सा काली मिर्च पाउडर, और साथ में ऐड कर देंगे तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ऐड करेंगे ये हमारे मिक्स मसाले हैं धनिया जीरा और गरम मसाला, इसे भी डाल के अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना बढ़िया से इसका। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके ये हमें रेडी कर लेना है रोल के लिए। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए आगे दिखाते हैं, हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड के चारों कोने को हम निकाल देंगे। ये मैंने कैंची की सहायता से हम चारों कोने को देखिए सारा बढ़िया से निकाल दिए हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे भरना है। तो उसके लिए बिल्कुल हल्का सा हाथों में पानी ले करके ब्रेड पे ऐसे ऐसे लगाएंगे, ब्रेड को बिल्कुल ज़्यादा नहीं भीगने देना है, नहीं तो ये क्रिस्पी सा नहीं बनेगा। अभी सिर्फ हल्का हल्का पानी इस पर लगाना है और थोड़े थोड़े करके हाथों की सहायता से हमें इसमें आलू का जो हमने फिलिंग तैयार किया था उसे भर के इसे इस तरीके से कवर कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे सील कर देंगे एकदम बढ़िया से, हल्कों से दबाते दबाते इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा लेकिन एकदम बहुत ही बढ़िया बनेगा ये। तो ये देखिए इस तरीके से हम भर लेंगे। एक और आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल हल्का ही पानी लगाइएगा। तो इस तरीके से दूसरा भी हम सारा इस तरीके से सारा रेडी कर लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करिएगा। तो ये देखिए हमने सारा रेडी कर लिया। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। ये फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए तेल बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गर्म है, गैस के फ्लेम इस समय हमने हाई कर रखा है। उसके बाद हम सारे एक एक करके सारे रोल्स को डाल देंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा, बिल्कुल बढ़िया सा कलर भी आने लगेगा। ये देखिए इसे उलटते पलटते हमें एकदम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही एकदम बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, एकदम रेडी भी हो जाएगी। तो इसे अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही कुरकुरा सा आपका बन के रेडी होगा ब्रेड रोल। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, हमारी ब्रेड रोल रेडी है। बाकी भी इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। चलिए मैं आपको ये देखिए कितना क्रिस्पी सा बना हुआ है, देखने से ही पता चल रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल बनके रेडी है। ये मैंने टमाटर केचप के साथ रेडी सर्व किया है। आप चाहे तो चटनी भी बना सकते हैं इसके साथ खाने के लिए, आप वैसे भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें।